सोने के डर से वो अपने दिन बिताता है। मैं रात को सो नहीं सका। एक दिन उसने सोचा और फैसला किया जो अब इस तरफ काम नहीं करता। विषय को इस तरफ से विनियमित करने की आवश्यकता है कि चोर और लुटेरे बज ना सके। उसने जो किया वो सब कुछ बेच दिया और एक ताल सोना लाया। फिर सुनहरी हथेली को बगीचे के कोने में एक छेद में काट दे। इतना कुछ करने के बाद भी कृपन निश्चित नहीं हुए। उसने चुपके से दिन से एक बार जमीन खोदी और सुनहरी ताल देखने आया। इस तरह कंजूस के दिन गुजरे। एक कंजूस के घर में काम करता था एक आदमी। इस दिन जब वो अपने मालिक को बागीचे के कोने में मिट्टी खोदने जाता था तो उसके मन में शंका होती थी। उसने सोचा कि जहां छिपे हुए खोजने होंगे। एक दिन उसने पीछे से कंजूस को ताना देखा। बाद में रात में उसने जमीन से सोना उठा लिया और फरार हो गया। अगले दिन कंजूस छेद में गया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसकी सारी बचत बर्बाद हो गई। कंजूस ने अपना सिर थपथपाया, छाती थपथपाया और रोने लगा। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा वीडियो? तुम लोगों ने अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रहे, सुस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।